बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के चिड़ैया गांव स्थित पोस्ट ऑफिस में पदस्थापित डाकिया के द्वारा डिमरा गांव के भोले वाले ग्रामीणों से खाते में पैसा जमा कराने के नाम पर लगभग 50 लाख रुपए की ठगी कर लेने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर ढिमरा गांव के ग्रामीण वार्ड नंबर 6 के वार्ड सदस्य मोहम्मद शकील से मिलकर मामले की जानकारी देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि चिड़ैया गांव में स्थित पोस्ट ऑफिस में डाकिया पद पर कार्यरत दीप नारायण शाह ने हम लोगों का खाता खुलवाया, जिसमें हम लोग प्रतिदिन डाकिया के घर पर जाकर पैसे जमा करते थे। 25 दिन पूर्व डाकिया की मौत हो गई। जब हम लोग इनके घर पर पैसा मांगने गए तो डाकिया के पुत्र रवि कुमार ने बताया कि आप लोग शाहकुंड स्थित ब्रांच जाइए। ब्रांच पहुंचने में पता चला कि हम लोगों के खाते में पैसे ही नहीं है। गांव के मोहम्मद महबूब एवं खुशी खातून के खाते में 70,000, मोहम्मद रशीद के खाते में 2,00,000, मोहम्मद सद्दाब के खाते में 1,00,000, मोहम्मद जुबैर के खाते में 90,000, शकील बानो के खाते में 50,000 अंकित पाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 60 ग्रामीणों से डाकिया ने खाता खुलवाया, जिसमें कई खाताधारकों ने लाखों रुपये फिक्स किया था, जिसका समय पूर्ण हो गया था और सभी अपने भाग्य को कोसने पर मजबूर हो रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अधिकतर लाभुकों को दिए गए पासबुक का कई पेज फाड़ लिया गया है। चिड़ैया पोस्ट ऑफिस में पदस्थापित पोस्टमास्टर से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन पोस्ट ऑफिस बंद होने के कारण बात नहीं हो सकी। ये बंदी होने पे 3,000 रुपया दिया उसको। कितना महीना दिए? 6 महीना। कितना पैसा दे रहे थे? 1,500 का महीना, 15 दिन में ले जाता था वो। हम लड़की के शादी के लिए 2,00,000 एक में धरे थे, एक लड़का के नाम से 1,00,000 धरे थे। रिश्ता जब हमारा लग गया, हम पैसा के लिए गए कि हमारा फिक्स तुरंत ही पैसा दे दीजिए, हमको इंटरेस्ट नहीं चाहिए। लेकिन पासबुक में पैसा जमा ही नहीं किया। साकुन जब हम गए तो बोला कि इसमें पैसा जमा नहीं है, जिसको दिए हैं उससे तलब कीजिए। और जब वहाँ गए तो बोलता कि हम 6 महीना में देंगे, कभी बोलता कि नहीं हम का करेंगे, जो लिया है उसको कहिए। दीप नारायण साहू के पास, चिड़ैया पोस्ट ऑफिस। दीप नारायण साहू कौन है? प्यून, उसी का वही काम करता था, तहसील वसील सारा काम फिक्स का वही करता। पोस्ट ऑफिस में जी, वहाँ बोला कि वहाँ ही तो पोस्ट मास्टर आता नहीं है, नुक के आता है 1-2 बजे और भाग जाता है। इसके घर पे जाते हैं तो टेर नहीं देता। साकुन ब्रांच जब गए तो बोला कि खाता में पैसा नहीं है। पैसा कितना जमा की थी बाबू? 55,000। कहाँ? पोस्ट ऑफिस में? हाँ। अब क्या बोलता है? तो खत्म हो गया। ओ तो बोलता है फर्जी है। क्या चीज फर्जी है? पासबुक? पासबुक है। हमने 2 पासबुक में जमा किए थे दीप नारायण साहू के यहाँ 70,000 करके। एक का मेरा समय पूर गया था, समय पूरने के बाद उसको हमने कहा कि हमारा पैसा दीजिए। वो पैसा देने के बाद क्या कहता कि ठीक है हम देंगे, 2-4 दिन, 10 दिन रुके। उसके बाद उसका हम पीछा करते रहे, पीछा करने के बाद 1-2 महीना टालते टालते दीपू साहू वो डेट कर गए। डेट करने के बाद उसके हम घर पे गए, घर पे जब गए तो उसकी बीवी के सामने ही हम पैसा दिए थे। तो उसकी बीवी को हमने बोले, जब तो बीवी बोला कि ठीक है हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमने कानूनी कार्रवाई करने से कोई कुछ होगा नहीं, इसलिए कि पैसा आपको हम दिए हैं, कानूनी कार्रवाई आप कहाँ कीजिएगा, इसलिए कि मेरा खाता में पैसा नहीं है। तो बोला कि ठीक है आप अपना जा करके मेन ब्रांच में साकुन में आप जाँच करवाइए। जाँच करने के लिए गए तो वहाँ का पोस्ट ऑफिस जो है वहाँ का मैनेजर खाता नहीं ले रहा था। खाता नहीं लेने के कारण वहाँ का आदमी जब जमा हुआ तो खाता लिया। खाता लेने के बाद वो चेक किया तो बोला कि ये कहीं कुछ नहीं, हमारा कुछ इसमें नहीं है। जिसको आप पैसा दिए हैं पैसा जाके उससे लीजिए, जैसे दे रहा है उससे पैसा वही देगा देने वाला। हाँ, उसके घर पे जाके दिए थे। कितना दिन पहले जमा किए थे? ये मेरा समय पूर गया, 19 में दिए थे हम। इससे पहले भी एक बार हम जो है जमा किए थे, समय पूरा नहीं हुआ, हमको जरूरत पड़ गया। इससे पहले भी शायद 1,00,000 हम जमा किए थे, उसको जरूरत पड़ गया। उसके बाद उसको बोले कि भैया पैसा का हमको जरूरत है, तो जमा करने के पहले वो बोला था कि आपको पैसा का जब भी जरूरत होगा तो हमको 15 दिन पहले बोलिएगा, 15 दिन पहले बोलिएगा तो हम 15 दिन में जुगाड़ करके आपको पैसा दे देंगे। तो हम बोले उसको 15 दिन पहले, तो 15 दिन के बाद जो है फिर हमको पूरा पैसा वो जितना हम जमा किए थे उतना हमको दे दिया। ब्याज नहीं दिया 1 रुपया भी, लेकिन मूर जो हम दिए थे वो हमको सब घुमा के दे दिया। तो बस जो है हमको इससे ये हो गया कि चलो भाई आदमी ठीक है, जब दिए और जब मांगे हमको दे दिया जरूरत के। तो दोबारा फिर जो है हम 90,000 रुपया उसको जमा किए, 1 साल के लिए फिक्स किए थे।
बांका के चांदन प्रखंड क्षेत्र के छरनाथ पाथर जंगल से अवैध रूप से काटे गए सखुआ की लकड़ी भारी मात्रा में वन विभाग ने बरामद किया है। चांदन वन क्षेत्र पदाधिकारी अशोक कुमार के नेतृत्व में वन कर्मियों व वन रक्षियों की टीम ने उक्त कार्रवाई की है। वनपाल अशोक कुमार ने बताया कि बिहार गांव के ग्रामीणों ने जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काट कर ले जाने की सूचना दी थी। बिहार झारखंड सीमा स्थित कनभटिया गांव के आरा मिल के बगल में 7 फीट लंबे कुल 12 पीस सखुआ लकड़ी को बरामद किया गया है। हुआ और 12 पीस सखुआ का लकड़ी है उसमें। ये कहां से बरामद की? ये मैंने बरामद किए कनभटिया से। आपको ये जानकारी कैसे मिली वहां पे लकड़ी है? मेरा जंगल कटा था छरना पत्थर में। हाँ। तो पब्लिक द्वारा पता चला कि मानो लकड़ी कट गया है, तो वहां गए तो देखते हैं सही लकड़ी कटल है, तो फिर पता लगाते लगाते तब कनभटिया गए। कनभटिया में देख रहे हैं कि मन लकड़ी मेरा आरा मिल में, आरा मिल के बगल में था, आरा मिल के बगल में। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू है। ऐसे में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बिहार सरकार अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में लाकर स्क्रीनिंग करते हुए 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में पूरे एहतियात के साथ भेज रही है। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में इन प्रवासी मजदूरों के रहने, खाने व अन्य सुविधाओं का कोई बेहतर इंतजाम नहीं किया गया है, जिस कारण इन सेंटरों में भेजे गए प्रवासी मजदूर आए दिन कुव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हुए बिहार सरकार एवं अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला रविवार को डुमरामा हाई स्कूल के समीप देखने को मिला, जहां हाई स्कूल में रह रहे दर्जनों प्रवासी मजदूरों ने बिहार सरकार एवं स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकालते हुए अमरपुर भागलपुर मुख्य पथ को घंटों जाम करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर बवाल किया। मौके पर इन प्रवासी मजदूरों ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि सभी प्रवासी मजदूरों को भेड़ बकरियों की तरह सेंटरों में ठूंसा जा रहा है। इन मजदूरों के लिए ना ही खाने की उत्तम व्यवस्था है, ना ही रहने की व्यवस्था। सेंटरों में बिजली, पानी एवं बेड की घोर किल्लत है। मजदूरों को ना ही साबुन, ना ही मास्क और ना ही पीने का स्वच्छ पानी मिल रहा है। इतना ही नहीं, इन सेंटरों में रह रहे बच्चों एवं महिलाओं के लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। मजदूरों ने बताया, 2 दिन पूर्व गुजरात के राजकोट से लगभग 350 प्रवासी मजदूरों को लाया गया, जिसमें लगभग 60 महिला व 30 छोटे बच्चे भी हैं, जिन्हें समय पर ना तो भोजन दिया जाता है और ना ही समय पर कोई सुविधा दी जाती है। वहीं जाम की सूचना मिलने पर अमरपुर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी, सहायक अवर निरीक्षक कपिल देव यादव, बीके तिवारी पुलिस बलों के साथ जाम स्थल पर पहुंचकर प्रवासी मजदूरों को समझाते हुए अविलंब सभी सुविधा देने का आश्वासन देते हुए सेंटरों के अंदर ले गए। बताते चले, सेंटरों में फैली कुव्यवस्था के खिलाफ 2 दिन पूर्व भी प्रवासी मजदूरों ने भरको शंभूगंज मुख्य पथ को जाम करते हुए सेंटरों में फैली कुव्यवस्था के खिलाफ सड़क जाम करते हुए अधिकारियों से सेंटरों में ससमय भोजन देने एवं अन्य सुविधा देने की मांग की थी, जिस पर बांका जिला के उच्च अधिकारी समेत प्रखंड के अधिकारी गण स्थल पर पहुंचकर आक्रोशित प्रवासी मजदूरों को समझा बुझाकर सेंटर में भेज दिया था। वहीं दूसरी तरफ इन प्रवासी मजदूरों के क्षेत्र में आगमन होने के कारण आम लोगों में दहशत साफ तौर पर देखी जा रही है। पंजवारा थाना क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में बने आइसोलेशन सेंटर में दूसरे राज्य से लौटे 6 लोगों को 14 दिन की क्वारंटाइन की अवधि पूरा हो जाने के बाद रविवार को थर्मल जांच के बाद घर जाने की अनुमति दे दी गई और उन्हें घर पर भी साफ सफाई रखने और सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। इसको लेकर डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि पंजवारा स्थित झारखंड बॉर्डर चेक पोस्ट पर मेडिकल विभाग की टीम आने जाने वाले सभी लोगों की स्कैनिंग कर रही है। प्रखंड क्षेत्र के लोगों को प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है, जबकि अन्य जगह के लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया जा रहा है। वहीं पूर्व में पंचायत क्षेत्र में लौटे लोगों को उनके पंचायत के विद्यालयों में बने आइसोलेशन सेंटर में रखा जा रहा था और इसी दौरान पंजवारा थाना क्षेत्र के 6 लोगों को भी क्षेत्र के विभिन्न आइसोलेशन सेंटर में रखा गया था और 14 दिन की अवधि पूरा होने पर उन्हें जाँच के बाद घर भेज दिया गया। उधर पंजवारा बॉर्डर चेक पोस्ट पर मेडिकल टीम के साथ मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार, अनिल कुमार और एसआई अरविंद सिंह कड़ी निगरानी रख रहे हैं। बांका जिला के बौंसी थाना क्षेत्र के सिराय गांव के ठाकुर टोला में जहां रुपेश कुमार के घर चाय बनाने के दौरान गैस रिसाव से आग लग गई, जिसे बुझाने के प्रयास में उस पर उन्होंने पानी डाल दिया, जिसके बाद सिलेंडर में आग दहक उठी, जिसके बाद परिवार के सदस्य बच्चों समेत बाहर निकल गए। बताते चले, इस हुए विस्फोट से रुपेश के भाई सुरेश का घर भी आग की लपटों की जद में आ गया। हालांकि बाद में आग पर अग्निशमन दस्ते द्वारा काबू पा लिया गया।
लेकिन दोनों ही परिवारों के आशियाने उजड़ जाने के बाद दोनों की रात खुली छत में गुजारने पर विवश थे। हालांकि पूरे मामले को गौर से देखने पर पता चलता है कि हादसे की मुख्य वजह लाभुकों के बीच ऐसे हालतों से निपटने के लिए जागरूकता का अभाव है, जबकि यह गैस एजेंसी का दायित्व होता है कि वो उन्हें ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रशिक्षित करे। फिलहाल दोनों ही घरों में जमा पूंजी और अनाज राशन इस भीषण विस्फोट में जलकर खाक हो गया है।